चर्च इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है और ये कैथलिक चर्च है। ये भी खुदावन का एक घर है हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर का, और हर मज़हब में जिस तरह इबादत का है उसकी अपनी एक ख़ास अहमियत होती है। कितना खूबसूरत चर्च बना हुआ है ये शायद पुराने दौर में मेरे ख्याल में फ्रांस के लोगों ने यूके के लोगों ने बनाया हुआ। This church is built by MEP, you know, the Foreign Mission of Paris. हाँ जी, अभी हम मौजूद हैं शैमियन आइलैंड में और ये है एक कैथलिक चर्च जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन है। आप यहाँ पर देखें, फुल इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, एक तो चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से भी और वैसे भी चर्चेस को इन्होंने डेकोरेट किया होता है यहाँ पे चाइना में, क्योंकि चाइना में जो क्रिश्चियंस की तादाद है वो भी काफ़ी तादाद है, इनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस मौजूद है। आए आपको अंदर चर्च दिखाते हैं और बताते हैं कि कितना खूबसूरत चर्च है, उन्होंने इसे कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। आए मेरे साथ, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये देखें, और यहाँ पे आज काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये देखिए आप, कितना इन्होंने सजाया हुआ है इसे खूबसूरती की तरह, और यहाँ पे भी इसका गेट है, वहाँ पे भी आपको लेकर जाएंगे। हाँ जी, ये जो है वो कैथलिक चर्च है और ये इस कैथलिक चर्च का मेन गेट है और मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे आए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। ये भी खुदावन का एक घर है हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर का, और हर मज़हब में जिस तरह इबादत का है उसकी अपनी एक ख़ास अहमियत होती है, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी चर्चेज़ की अपनी अहमियत है। आए मेरे साथ, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ ये देखिए, सही खूबसूरती से इन्होंने इसे बनाया हुआ है। ये शायद पुराने दौर में मेरे ख्याल में फ्रांस के लोगों ने यूके के लोगों ने बनाया हुआ है। आए मेरे साथ आगे दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से इसका दूसरा व्यू, यहाँ पे काफ़ी फॉरनर भी आए हुए हैं दूसरे कंट्री से। ये यहाँ से बाहर का इसका छोटा गेट है और यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है इस वाली जगह, और यहाँ से अगर आप बाहर आए तो बाहर भी आपको काफ़ी खूबसूरत मिलेगी, जैसे लोग आ जा रहे हैं। Thank you also a little bit introduction here. ये यहाँ के फादर हैं और ये फादर हमें बता रहे हैं। This one is the map, yes? Joseph, yeah, sure. This map is a small island here. Okay. The church here in the first tree. Okay. Of the Shamian, yeah. Okay. So, can you please tell us about some history of this beautiful church? Yeah, this church is built by MEP, you know, the Foreign Mission of Paris. Built in 1890. खूबसूरत चर्च की एंट्रेंस है यहाँ से, और ये इसका मेन गेट है, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत चर्च, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये यहाँ पर, ये देखें, और Chinese New Year here. Yes. Yeah. और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से इधर का व्यू भी है, ये देखिए, ये बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत बनी है, चर्च का खूबसूरत मंजर है। अभी हम आपको चर्च के अंदर लेकर जाते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। कितना खूबसूरत चर्च बना हुआ है ये। यहाँ से मेरी नज़र पड़ी और ये इस खूबसूरत चर्च के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका सारा इंट्रोडक्शन है।
यहाँ पे जो भी तालीम होती है उसके बारे में ये टाइम लिखा हुआ है। ये देखिए इंतहाई खूबसूरत मंजर। हाँ जी, चर्च वगैरह आपको दिखा लिया हमने और इंतहाई खूबसूरत चर्च है, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर होता है हमारे आज के ब्लॉग का इख्तिताम। उम्मीद है आपको शैमियन आइलैंड काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरह आप हमारे ब्लॉग्स को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में भी हम आपको सैर वगैरह करवाते रहेंगे, इंजॉय करवाते रहेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह पाक आपकी खास हिफाजत करे और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।